भाई वाह, क्या बात है देलावाड़ी की इस सुहानी सुबह की। पेड़ों से छनकर आती ठंडी ताजी हवा और चिड़ियों का ये मधुर कलरव। खैर, अब हमें यहां से आगे बढ़ना है। आइए शुरुआत करते हैं विजयासन देवी के दर्शन से। आमजन में सलकनपुर वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध मां विजयासन शक्तिपीठ विंध्याचल पर्वत के उस ऊंचे शिखर पर स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1000 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। वैसे सीढ़ियों से इतर यहां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़क भी बनाई गई है। इस खूबसूरत रास्ते पर आप गाड़ियों से भी जा सकते हैं, जहां से चारों ओर का विहंगम नजारा देखने को मिलता है। ये दृश्य इतने लुभावने हैं कि श्रद्धालुओं को पैदल चढ़ने में भी कोई थकान नहीं होती। लीजिए, ये हम पहुंच गए मंदिर प्रांगण में और ये हैं श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र मां विजयासन। आइए यहां के महंत से जानते हैं इस सिद्ध शक्तिपीठ के बारे में। विजयासन शक्तिपीठ सलकनपुर के नाम से जाना जाता है और यहां पर जो है भगवती विजयासन रक्तबीज का वध करने के बाद, जहां विजय के पश्चात विजयासन, विजय के बाद आसन पर आरूढ़ हुई हूँ, वो विजयासन कहलाता है। माँ के दर्शन तो सभी के लिए सुहावने हैं ही, साथ ही यहाँ ऊपर पहाड़ी से सबसे ऊंचा होने का एहसास लिए श्रद्धालु जब आसपास का मंजर देखते हैं तो वो बिल्कुल वैसा होता है जैसा हवाई सफर के दौरान देखने को मिलता है। इन मनोरम दृश्यों को जी भरकर अपनी आंखों में बसाने के बाद अब हम रुख कर रहे हैं गिन्नौरगढ़ के किले की तरफ। प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये किला देलावाड़ी से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जंगल के बीचों बीच स्थित ये किला मध्यकालीन इतिहास की एक शानदार वानगी पेश करता है। गोंड राजाओं की राजसी आन बान के प्रतीक रहे इस दुर्ग की छत से कभी रानी कमलापति नर्मदा जी के दर्शन किया करती थी। नर्मदा जी न सही, पर आज भी यहां की छत से जंगल का विहंगम नजारा हर किसी को रोमांचित कर सकता है। इस किले के भीतर और आसपास कभी 65 बावड़ियां हुआ करती थी, जिनमें से चोर बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध ये बावड़ी किले के पश्चिम में लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस 5 मंजिला बावड़ी के निर्माण में शिल्पकला का उपयोग जिस सुंदर तरीके से किया गया था वो आज भी देखने लायक है। इसके अलावा देलावन के करीब ही छोटी आमखोह और बड़ी आमखोह नामक दर्शनीय स्थान है। वैसे जंगल के बीच ये स्थान वन्य पशु पक्षियों को निहारने के लिए उपयुक्त है। अब हम चलते हैं युद्धबंदी कैंप, जो कि देलावाड़ी से मात्र 2 किलोमीटर दूर स्थित है। दरअसल इस जगह का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 में युद्धबंदी शिविर के लिए किया गया था। उस समय इस जगह 30,000 जर्मन और इटालियन कैदियों को रखा गया था। भाई फिलहाल इस युद्ध स्मारक से लेते हैं विदा, क्योंकि सुलह का सूरज तो पूरी दुनिया में उग ही चुका है। इस युद्धबंदी कैंप के ठीक सामने सड़क के दूसरी ओर एक सुंदर जलप्रपात है। वैसे आज इस भदभदा जलप्रपात पर सूखे का असर है, वरना यहां मॉनसून में 100 फीट की ऊंचाई से गिरती अथाह जलराशि को देखकर पर्यटकों का दिल बाग बाग हो जाता है। भाई ये बात तो हुई देलावन परिसर और आसपास के दर्शनीय क्षेत्रों की, लेकिन अगर हम यहां तक आए और मानव सभ्यता की प्राचीनतम निशानियां देखने न जाएं, तो शायद ये सफर कुछ अधूरा सा रह जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं भीमबेटका की, जहां न सिर्फ शैलाश्रयों में अंकित इन विश्व प्रसिद्ध शैल चित्रों को देखा जा सकता है, बल्कि रास्ते में पड़ने वाले MPST के हाईवे ट्रीट में आराम भी फरमाया जा सकता है। तो कैसा लगा आपको ये सफर? था ना कुछ हटके?